प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा सीओ सिटी अजय कुमार ने पत्रकार वार्ता में किया है। पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस सहित चोरी की बाइक भी बरामद की है। जी हां, आपको बता दें कि बीती रात डिडोली पुलिस द्वारा की जा रही रात्रि गश्त के दौरान जब एक बाइक सवार को चौधरपुर पुल के पास रुकने के लिए कहा तो उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी और भागते हुए कच्चे रास्ते पर फिसल कर गिर गया। पुलिस को पीछे आता देख उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसको जंगल में दबोच लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना नाम लाइक पुत्र याबुक निवासी गांव कंकराली खताना डिडोली अमरोहा बताया है। पकड़े गए अभियुक्त पर एसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस सहित चोरी की बाइक भी बरामद की है। पत्रकार वार्ता में सीओ सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर कमालपुर के जंगल में अपने साथियों अशरफ अली, नामी अली और आकिल के साथ मिलकर एक पशु व्यापारी रहमत अली की हत्या का मुकदमा दर्ज है और अभियुक्त ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को देहात क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अभी 29 तारीख की रात्रि में डिडोली पुलिस चौधरपुर पास गश्त कर रही थी, वहाँ से एक व्यक्ति रुकने का इशारा किया गया तो भाग निकला। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति का नाम लईक निकला, उसके पास एक तमंचा बरामद हुआ और ये पता चला कि लईक का 2018 में एक मुकदमा था मर्डर का, इसमें वांछित था, इसे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो ये डिडोली पुलिस की असाधारण सफलता है कि एक साल से जो भगोड़ा था एक मर्डर केस में वो पकड़ा गया और 25,000 रुपये का इस पर इनाम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।